चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि पंचमहल किसमें स्थित है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और जल्दी जल्दी यहाँ पर सॉल्व भी करते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका जवाब आ रहा है, ये पंचमहल कह रहे हैं, ऑप्शन सी होगा फतेहपुर सीकरी। तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, फतेहपुर सीकरी आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यह कैसा है, एक 5 मंजिला इमारत है जो कि बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध विहार शैली में बनाया गया फतेहपुर सीकरी का कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, पंचमहल आपका है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तारीख ए फिरोज शाही किले का कौन है, तारीख ए फिरोज शाही किले का पूछा गया है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, ये है आपके जियाउद्दीन बरनी, कौन हो जाएंगे, जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। इसने अलाउद्दीन खिलजी है ना, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के शासन का जिक्र किया है, किसने, इसने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बताइएगा कि बक्सर युद्ध के बाद कौन से, तो आपका यहाँ पर 3 का जवाब बनेगा डी, अवध, है ना। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था, कौन, ऑप्शन डी अवध हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए आगे बताइए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कह रहा है बाल विवाह अवरोध अधिनियम कब आया था, 1929 को, निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो चलिए जवाब दीजिए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो जाना जाता है किस और नाम से जानते हैं। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन ए शारदा अधिनियम, बिल्कुल जवाब सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ गया है, यहाँ पर ये हो जाएगा शारदा अधिनियम, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्राचीनतम वेद कौन सा है, इजी क्वेश्चन आपका है इतिहास का। चलिए प्राचीनतम वेद आपका जवाब आ रहा है 5 का, ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद जो आपका है कैसा है, प्राचीनतम वेद है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये जो क्वेश्चन आता है अब इसी प्रकार से आता है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। चलिए 1857 की क्रांति, बिल्कुल जवाब बिल्कुल राइट है, यहाँ पर सभी का जवाब लगभग आ रहा है ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1857 आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया अब तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1829 में राम मनोहर राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा जाता है, तो आपको देखो यहाँ पर 1829 है और सभा आपकी पूछे तो आपकी आत्मीय सभा हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं बाद में इसे ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, हमने आपको बताया ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना तय है और हर एक प्रैक्टिस सेट में हर एक मॉडल पेपर में यह आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा, है ना, तो याद रखिएगा यहां पर आपका जवाब सही क्या होना जाएगा। चलिए जवाब यहां पर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है, हम लॉक कर देते हैं, 8 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, करजन आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, करजन इसका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, कह रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को जवाब देना है इसका राइट आंसर। चलिए राष्ट्रपिता कहकर किसने किया था, चलिए 9 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस इसका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। ये कब कहा था, तो आपके 4 जून 1944 को, है ना, 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित किया था और कहा था कि महात्मा गांधी पहली बार कहा था राष्ट्रपिता, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सामुदायिक पुरस्कार की घोषणा किया, तो समुदाय पुरस्कार की जो घोषणा किया था किसने किया था। चलिए यहां पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, डी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना, यहां पर ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, क्लियर है, इतना पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद रखिए, क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, बताइए भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी खाड़ी आपकी नहीं आती है, तो देखो यहाँ पर कच्छ की खाड़ी आप लोग जानते हैं, है ना, कैम्बे की खाड़ी जिसे हम लोग खंबात की खाड़ी कहते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिए, कैम्बे की खाड़ी को हम लोग खंबात की खाड़ी के नाम से जानते हैं और मन्नार की खाड़ी ये आपके भारत के आसपास जुड़ी हैं, लेकिन आबा का, है ना, अकाबा की खाड़ी ये आपकी इसके अंतर्गत आपकी नहीं आती है, ये जो पड़ती है आपके लाल सागर के पास पड़ती है, कहाँ पर, लाल सागर का भाग है, कौन, अकाबा खाड़ी है, ये लाल सागर का भाग है, इसकी सीमा जो लगती है इजराइल जॉर्डन सऊदी अरब के साथ लगती है इसकी सीमा, क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है भारत की सीमा कितने देशों से लगती हैं, चलिए भारत की जो सीमाएं हैं वो कितने देशों से लगती हैं,
चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका सी। तो देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी हो जाएगा सात। जैसे कि आपके सात तो पड़ोसी देश ही आपके हो गए है ना, सात पड़ोसी देश हैं कि नहीं है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तो आपके है ना। तो आपका सर्वाधिक कहाँ से लगती है, सर्वाधिक सीमा लगती है आपकी किससे, तो आपके बांग्लादेश से। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। इजी क्वेश्चन था लेकिन काफी लोग फिर भी कंफ्यूज हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट जो आपका है ये क्या है, पश्चिमी घाट है क्या ये पूछा गया है। तो पश्चिमी घाट क्या पर्वत है, क्या पठार है या पठारों का ढलान है। तो आपको पता होगा कि हमने बताया था जो पश्चिमी घाट आपका है ये कैसा है, ये ढाल वाला है। ये कैसी का ढाल है, ये आपकी इस प्रकार की तरफ को ढाल आपका है। तो ये पठारों क्या है, ढाल है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। यही कारण है कि प्रायद्वीपी की अधिकतर नदियां जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। यहाँ पर साथियों फोकस करिएगा, किसमें नहीं पर फोकस करना है। कह रहा है कौन सा दर्रा आपके कहाँ पर, तो आपके उत्तराखंड में नहीं है। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा ऑप्शन आ रहा है सभी का जवाब, बहुत सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सिपकीला दर्रा। अच्छा ये बताइए सिपकीला दर्रा जो पड़ता है कहां पड़ता है, ये जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, सिपकीला दर्रा जो पड़ता है कहां पर पड़ता है। चलिए यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका बी, मतलब सिपकीला दर्रा पड़ता है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहां पर, आपकी हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, ठीक है ना। चलिए किन्नौर जिले में है जो कि तिब्बत को जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि टर्मिनल डॉपलर रडार, देखो यहां पर नया शब्द आपसे पूछा गया है, क्या दिया है, टर्मिनल डॉपलर रडार जिसे बोलते हैं TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। टर्मिनल डॉप्लर जो प्रभाव है किस लिए होता है, तो यह होता है आपके खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब क्या होता है कि खराब मौसम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो हवाई जहाज होते हैं उनको उतारने के लिए एक ट्रैक सिस्टम है ना, ट्रैक ऑफ सिस्टम कहा जाता है, इसकी सहायता आपकी ली जाती है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई है। जो आपकी सरकार है इसने क्या किया है, जो किसानों के लिए प्रमाणित बीज है उस पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ कर दिया है। और ये आरंभ किया है किसने, तो आपके उत्तर प्रदेश ने। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने किया है। और ये आज नहीं 2015 में ये आपका शुरू किया था, मतलब बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा शुरू किया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की गई हैं। चलिए यहाँ पर 17 का जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर हमने आपको बताया भी था, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि आपकी 24 फसलें लगभग इसके अंतर्गत आपकी आती हैं, है ना। अब यहाँ पर बढ़ाकर लगभग आपकी 26 कर दी गई हैं। कितनी कर दी गई हैं, 26 फसलें। कितनी, 26 फसलें कर दी गई। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन होता क्या, 26 होता तो आप 26 को जवाब लगाते, बल्कि मैक्सिमम ऑप्शन क्या है, 24। तो अगर 26 मिलता है तो 26 फसल आपको लगाना है। इन्हीं पर आपका होता है MSP, क्या होता है MSP, जिसे बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, जिसमें से यहाँ पर 14 खरीफ की फसलें भी शामिल होती हैं और 7 आपकी रबी की फसलें हैं और आपकी वाणिज्यिक हो जाएंगी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया। देखिए यहां पर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण किया गया, इसके बाद इसका जो नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है, तो याद रखिए यहां पर आपका 8 का जवाब क्या बन जाए, 18 का जवाब हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। पहले ये जो आपका बैंक है कब, 1921 में इसका नाम था द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और नाम क्या दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक। कब, तो आपके 1955 में इसका नाम दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक। मुख्यालय की बात करते हैं तो कहां पर है, तो आपके मुंबई में क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। और ये एक भारतीय महाद्वीप में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है, अपने महाद्वीप में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक आपके यही है, ठीक है ना। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग के संबंधित है। चलिए यहां पर दिया गया है विनिवेश आयोग से संबंधित जो आपके हैं कौन है, तो देखिए आपके 1997 में एक विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, और इन पक्षों पर सलाह देने के लिए, मतलब जो होती विभिन्न पक्ष होते हैं उन पर सलाह देने के लिए, तो इसका जवाब बन जाएगा ए नंबर। कौन थे आपके, तो जीवी रामकृष्ण थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिए विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया, देखो जो भी नया क्वेश्चन हो उसको आप नोट करते चलिएगा, हमने बता दिया है कि नोट करोगे तो यही क्वेश्चन आपको फायदा मिलेंगे, क्योंकि जो आते हैं वो तो आपके दिमाग में हमेशा रटे रहेंगे, लेकिन जो नहीं आते हैं उनको अगर नोट करेंगे तो जब भी कभी रिवीजन करोगे तो आपका 100% सफल आपका हो जाएगा, ठीक है। हम आपको बता दें कि अगर आप कई चैनल का प्रयोग करते हैं तो आप अपने अपने चैनल, मतलब हर चैनल की अपनी एक बुक बना लीजिएगा, और इसके बाद उसके क्वेश्चन जो नहीं आते उनको नोट करते रहिएगा, और इसके बाद जब भी कभी एग्जाम हो तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर देखिए जो आपने पढ़ा है आपको नहीं आ रहे थे, है ना। तो याद रखिए कि जो आता है उसको तो पढ़ना है, जो नहीं आता है तो उनको आप एग्जाम के समय या पहले भी रिवीजन डेली का डेली करते रहें। चलिए बताइएगा, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा
भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। क्या नहीं शब्द आपको दिया गया है, तो देखते हैं नहीं शब्द में घटी हुई CRR है ना, SLR ये तो आपको बैंक से जुड़ी है ना, CRR और SLR ये आपको बैंक से जुड़ी हुई है। ब्याज दर का विनिमय ये भी आपका है, नई पीढ़ी बैंक ये भी है, लेकिन दिया वर्धित SLR, वर्धित शब्द आपका जो दिया है ये इससे संबंधित आपका नहीं है, क्योंकि SLR में वृद्धि से बैंकों में पास पूंजी की कमी हो जाती है। तो यहां पर आपका जो जवाब बनेगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के बाके अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है। चलिए बताइएगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो स्थानीय सरकारें मतलब स्व सरकार की जो संस्था है वो आपकी कौन सी है। आर्टिकल भी दिया गया 243 के बाद, और इसके अंतर जो आपका आता है वो आपका आता है पंचायत आते हैं, क्या आते हैं पंचायत, इसका ऑप्शन बने कौन सा बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। सभी को पता होगा, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सब लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से और तुरंत जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोगों ने जवाब दे भी दिया है, नागौर, नागौर कहाँ पड़ता है बताइए जल्दी से, नागौर कहाँ पड़ता है जल्दी से बताइए, तो पड़ता है आपके राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, तो आपके 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के एक जगह पड़ता है बगदरी गांव, क्या नागौर जिले में बगदरी गांव, अगर कभी गांव पूछ ले तो बगदरी गांव से इसकी स्टार्टिंग की गई थी जो कि आपके राजस्थान में आपका है, ठीक है ना, क्लियर हो गया, जो कि आपके 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में ये आपका कानूनी प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देंगे, और इसी के साथ देशव्यापी विरोध शुरू हुआ था। ये आपके प्रधानमंत्री कौन थे, 23 का ऑप्शन बनेगा भी वीपी सिंह थे, कौन थे आपके वीपी सिंह का पूरा नाम क्या है, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह है ना, भारत के ये प्रधानमंत्री रहे हैं, कब ये बात है आपके 1989-90 की बात है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो देखो ये थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि आप लोग क्या होता है आप लोग पढ़ते हैं कि प्रथम कौन थे द्वितीय कौन थे, लेकिन कार्यकाल पर फोकस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो डॉक्टर बलराम जाखड़ हैं है ना, डॉक्टर बलराम जाखड़ हैं ये 1980 से लेके 85 और इसके बाद 85 से लेके 89 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा आपका सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, बताइए क्या है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक, कोई भी कैसा विधेयक, निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि है वो कितनी है। तो याद रखिए एक माह, कितनी एक माह होती है, जो भी निजी सूचना अगर आपको देना होता है ना विधेयक पेश करने के लिए तो एक माह अवधि होती है ना, जबकि अदर में देखा जाए तो 7 दिन। अगर सरकारी आपके सदस्यों को विधेयक पेश करना है ना, अगर सरकारी सदस्यों को कोई विधेयक पेश करना है तो मात्र 7 दिन की अवधि होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, चलिए बताइएगा सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो होती है वो किसका जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर बी, देखो सबसे कम पूछा गया है और सबसे कम कौन है, बैंगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्ध्य आपका होता है, वहीं पर सबसे अधिक होता है लाल रंग का सबसे अधिक होता है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, कुल मिला के प्रकाश के पथ में एक वस्तु कैसी, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अपारदर्शी, कि प्रकाश के पथ में एक अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होती है, जब अपारदर्शी होगी तो, और भाई पारदर्शी हो गई तो वो तो छाया बाहर कन्वर्ट हो जाएगी निकल जाएगी, लेकिन अपारदर्शी है तभी तो क्या होगा छाया का निर्माण होगा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है, चलिए दहन के लिए कौन सी गैस आपकी आवश्यक होती है, मान लीजिए आप आग जला रहे हैं ना, और आग जलाने के लिए जरूरत क्या होती है ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के आपकी आग नहीं जल सकती है। मान लीजिए कोई कुआं है और कुआं में कोई गैस है मेथेन गैस आपकी है ना, अगर इसमें से आप उतर रहे हैं तो पहली बात आपका दम घुटने लगेगा, और अगर आप आग जलाकर इसमें फेंकते भी है ना तो आप कुछ समय के बाद तुरंत बुझ जाएगी, तो याद रखिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहां पर ए नंबर या बी नंबर, कौन सा बनेगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर एसिटिलीन गैस, क्या हो जाएगा एसिटिलीन गैस है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चलिए हिंदी के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, लाइक शेयर करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, और प्लेलिस्ट में आप लोग हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है ना साइंस
मैथ वगैरह ये हम आपको मैथ जल्दी आपको मिलेगी, तो याद रखिएगा कि आप प्ले लिस्ट में सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना, सब कुछ सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। चलिए बताइएगा कि एक मुंह दो बात मुहरे का अर्थ, यहाँ पर 36 का ऑप्शन आ चुका है, काफी लोगों ने जवाब दिया है सी, अपनी बात से पलट जाना, क्या अपनी बात से पलट जाना ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिग्भ्रम का उदाहरण कौन सा है, कुल मिला के पूछा गया है कि दिग्भ्रम का संधिविच्छेद क्या होता है, अर्थात ये कौन सी संधि के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर गा का परिवर्तन हो जाएगा का में, और ये का क्या है आपका व्यंजन है, तो मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी, ये व्यंजन संधि है, और इसका संधि करेंगे तो बन जाएगा दिक धन भ्रम, क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा दिक धन भ्रम, आपका जवाब राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है जो कि कैसा है, एक अशुद्ध आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कोई ऑप्शन आपका अशुद्ध होगा। तो देखते हैं पहला पॉइंट दिया गया है क्षण में या शीघ्र टूट जाने टूटने वाला मतलब होता है, कह रहा है क्षण में या शीघ्र टूटने वाला, कह रहा है खंडहर, कह रहा है खंडहर दिया गया है, तो भाई खंडहर नहीं होता है, पहला पॉइंट गलत है, क्यों, क्योंकि जो क्षण में या किसी के शीघ्र टूट जाता है उसे क्षण भंगुर कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, क्षण भंगुर कहते हैं, क्षण भंगुर कहते हैं, ठीक है, क्षण भंगुर कह देते हैं, तो भाई यहां पर खंडहर नहीं कहते, तो पहला आपका जवाब गलत हो गया है, यही इसका आंसर है। जबकि यहां पर ज्ञान के लिए देख लेते हैं, जिसकी आशा ना की गई उसे अप्रत्याशित कहते हैं, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, दोपहर के पहले के समय को पूर्वा कहते हैं ना, ये तीनों पॉइंट सही थे, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका अशुद्ध। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, कह रहा आपसे वॉलंटियर का बहुवचन क्या होता है, चलिए देख ले सकते हैं वॉलंटियर, पहली बार ये शब्द आपको देखने को मिला होगा। चलिए तो वॉलंटियर, यहां पर वॉलंटियरों कर दीजिए, क्या दिक्कत है, इसका क्या कर दीजिए, ऑप्शन सी कर दीजिए। अब भाई यहां पर आप लोग ए मत करिए, भाई ए मत करिए, आप लोग तो यहां पर सा बना दिए, भैया सा होता है इंग्लिश में, आप कर देते हैं एस लगा देते हैं, यहां पर एस नहीं लगाना है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, मतलब वनिता का प्रयोग जो होगा वो किसके अर्थ में करते हैं, किसका, तो देखो जैसे आपने पढ़ा होगा अंबा, है ना, क्या पढ़ा, अंबा नारी रमणी कामनी, है ना, ये सब होते हैं किसके, आपके स्त्री के पर्यायवाची, स्त्री को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे अबला, क्या अबला, नारी रमणी कामिनी, ये सब इसी के होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से असंगत को चुनना है, यहाँ पर देख सकते हैं असंगत दिया गया है, भूकंप दिया है, ज्वालामुखी दिया है, सुनामी दिया है, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि दिया है, मतलब जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से सबसे जो अलग है वो आपका कौन सा है, चलिए बताइए कौन सा अलग है, क्या सोचकर जवाब देंगे। तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है, क्या ये भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, पृथ्वी से रिलेटेड आपकी हैं, जो कि बिल्कुल तल में आपको मिलती हैं, और कुछ आपकी कैसी हैं, आपकी अंदर वाली हैं पृथ्वी के अंदर में, लेकिन तापक्रम जो होता है वायुमंडल से होता है, तापक्रम क्या होता है, वायुमंडल ग्लोबल में होता है, तो ऑप्शन डी नंबर इनमें से क्या था, असंगत था, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था, ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग वाले सर आपके यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया है कि सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो बताइए इसका जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर 61 नंबर में, काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, मतलब सबके जवाब यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुदुचेरी हवाई अड्डा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी, पुदुचेरी हवाई अड्डा है ना, पुदुचेरी हवाई अड्डा है, जो कि पहला हवाई अड्डा बन चुका है, कैसा, सौर ऊर्जा से संचालित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पुस्तक द रूल ब्रेकर्स के लेखक कौन है, पुस्तक द रूल ब्रेकर्स के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हैं, तो चलिए इसका भी जवाब देना है, काफी कठिन आपको हो सकता है, क्योंकि पुस्तक संबंधी आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हैं, स्ट्रैटेजी के वगैरह आप पसंद नहीं करते हैं, वहां पर हम ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं, तो द रूल ब्रेकर्स के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, तो आपकी प्रीति निशाय, कौन है, प्रीति निशाय है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व कैंसर दिवस, सभी का जवाब इस प्रश्न का आना चाहिए, चलिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, जितने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सभी लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए कैंसर आपका आ गया है, चीर फाड़ देंगे, क्या कैंसर हो गया है तो चीर फाड़ दीजिए, मतलब आपका जवाब जो बनेगा वो 63 का ऑप्शन बन जाएगा, कौन सा, डी, चीर फाड़ मतलब चार फाड़, है ना, देखो चार और फाड़ से फाड़, तो चीर फाड़ दीजिए, कैंसर हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, चीर फाड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नील द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, द्वीपों में से क्वेश्चन बनते हैं, नील द्वीप का परिवर्तित नाम क्या हो चुका है 64 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो शहीद द्वीप, बिल्कुल जवाब सही है, शहीद द्वीप जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट, आपका कौन सा, शहीद द्वीप आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कोरोना का रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये कोरोना से संबंधित ये क्वेश्चन आपका है, और आपने सुना होगा रैपिड टेस्टिंग किट जो कि तुरंत आपको यहाँ पर रिजल्ट दे देता है, तो ये जो जांच शुरू करने वाला देश का पहला जो राज्य बना था ये बना था कौन सा,
तो आपका हो जाएगा 65 ऑप्शन बन जाएगा बी आपका राजस्थान। याद रखिए राजस्थान है जो कि कोरोना का रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से जांच शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारतीय मूल के वाविल राम कालावन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये भारतीय मूल के थे, नाम क्या है वाविल राम कालावन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह क्वेश्चन आपका है तो आपका पूछा गया है तो आपका जवाब बनेगा ए नंबर। ये है सिसिल्क की, कहां पर है तो भारतीय मूल के हैं जो कि सिसिल्क के राष्ट्रपति बने हैं वाविल राम कालावन। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। चलिए आते हैं, एक पोर्टल दिया गया है, देखिए कौन है सुमंगल पोर्टल, है ना, सुमंगल पोर्टल दिया है। इसे याद करिएगा कि किस राज्य की सरकार ने पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने हेतु लॉन्च की गई है, मतलब जो स्कॉलरशिप होती है उसको लाभ प्रदान करने के लिए सुमंगल पोर्टल की जो शुरुआत किया है वो किया है किसने, तो आपके ऑप्शन सी ओडिशा सरकार ने किया है। किसने, ओडिशा सरकार ने किया है छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने के हेतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि फ्लाइबिंग नामक नई एयरलाइन किस देश के द्वारा शुरू की गई है। फ्लाइबिंग क्या दिया है, फ्लाइबिंग नामक एक नई एयरलाइन है और ये किस देश के साथ शुरू की है, किस देश ने शुरू किया है। चलिए अगर आ रहा है तो जवाब देते रहिए, आराम से सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लाइबिंग नामक एयरलाइन शुरू किया है आपकी किसने, तो असर का जवाब हो जाएगा डी आपके भारत ने। किसने, भारत ने, इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा किया है। ये भी आपका IMP क्वेश्चन है, याद रखिए जितने भी आपके सरकारी कार्यालय है ना इनको ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा किया है और ये जो राज्य सरकार इसका नाम क्या है, नाम क्या हो जाएगा केरल सरकार है। केरल सरकार है जो सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा कर दिया है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किस विश्वविद्यालय ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा किया है। चलिए किस विश्वविद्यालय ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा किया है और ये है आपका विश्वविद्यालय कौन सा, तो आपका हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। कौन, लखनऊ विश्वविद्यालय, क्या हो जाएगा ए नंबर, लखनऊ विश्वविद्यालय है जो कि अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा किया है, आपका जवाब ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन अकादमी जिम्मेदार है। बताइए नृत्य नाटक संगीत, ये हमने आपको यूपी जीके में पढ़ाया भी है और स्टैटिक जीके में हमने इस क्वेश्चन को पढ़ाया है कि नृत्य को भारत में नाटक और संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक अकादमी है जो आपकी जिम्मेदार है, अर्थात यही सब पूरा काम देखती है संगीत अकादमी, जिसका जवाब आ रहा है डी। लगभग सभी का जवाब बिल्कुल आ रहा है, यहां पर ऑप्शन जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट सभी का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या है, विश्व बाघ दिवस जिसे बोलते हैं वर्ल्ड टाइगर, क्या बोलते हैं वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सर भरभरा रहा है क्या, वॉइस ठीक करो, वॉइस गड़बड़ है, वॉइस कर देते हैं ठीक। चलिए आप बताइए सही है, अब विश्व बाघ दिवस अर्थात वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। चलिए अब वॉइस क्लियर हो गई, तो चलिए यहाँ पर 72 का जवाब देना है, 72 का ऑप्शन बनेगा डी आपके 29 जुलाई को, कब 29 जुलाई को, ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि द टर्बुलेंट ईयर जो कि 1980 और 96 के द्वारा लिखी गई ये आपकी है, द टर्बुलेंट ईयर के जो लेखक है वो आपके कौन है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कुछ लोगों ने बहुत ही स्पीड में जवाब दिया है, कह रहे हैं इसका जवाब ए हो जाएगा प्रणव मुखर्जी। क्या हो जाएगा जवाब, इसका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए नंबर, द टर्बुलेंट ईयर के जो आपके हैं वो आपके प्रणव मुखर्जी, 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया है, इनको ग्रैमी जीवन पर्यंत आपको दे दिया गया उपाधि दी गई है और ये जो आपके हैं कौन, तो आपके पंडित रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर हैं, ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्रदान कर दी गई है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन दिया है लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बच्चे को स्टूडेंट को पता होगा इसका राइट आंसर, सभी का जवाब आ रहा है यहां पर, जवाब आ गया है ऑप्शन राइट सी, बरसाना हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, बरसाना है, याद रखिए लट्ठमार होली के लिए बरसाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है तो उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखो दिया है उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और ये आपके विरह भाव को दर्शाया जाता है, विरह भाव को दर्शाया जाता है कजरी, है ना। ये आपके यूपी कैसे पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 वाले में सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है तो उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है।
चलिए जवाब दीजिए। और याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, देखिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सरल लग रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो यही क्वेश्चन आपको दमदार लगेंगे, ठीक है ना। वहां पर प्रेशर होता है, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, इसलिए प्रेशर होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 77 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर। यहाँ पर दिया गया है किसके पास है, मतलब हटाने का, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार। देखो, हटाने का अधिकार पूछा गया है, तो काफी विद्वान साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर सी नंबर, और कुछ जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका। चलिए, तो भाई देखो, हम आपको बता दें, जितने लोगों ने जवाब दिया है इसका, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, और सी नंबर ये जवाब का है 100% गलत है। क्या 100% यहाँ पर गलत दिया गया है? देखो, यहाँ पर 100% गलत है। कैसे गलत है? हमने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार, हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तब आपका जवाब राष्ट्रपति होता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का, अर्थात कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर उन्हें हटाना है, तो इन पर एक प्रक्रिया होती है, राज्यसभा के द्वारा, और राज्यसभा के जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, सभी का योगदान होना चाहिए। मतलब अगर एक भी व्यक्ति अगर मना कर दिया कि नहीं, हम इन्हें नहीं हटाएंगे, तो नहीं हटाया जा सकता है, संपूर्ण सदस्य का बहुमत होना अनिवार्य है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर। समझ गए होंगे, है ना। तभी कहते हैं थोड़ा सा आराम से समझिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं आता है। यहां पर आपको दिया गया मेरिडियन, मतलब कह सकते हैं जो आपकी 82.5, कौन 82.5 जो आपकी देशांतर रेखा है, यह भारत में से 5 राज्यों से गुजरती है, और 5 राज्यों में से आपका उत्तर प्रदेश तो आपका आता ही आता है, है ना। उत्तर प्रदेश तो आपका आता ही आता है ना। यहां पर आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आते हैं, लेकिन बिहार इसमें से नहीं आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका जवाब राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। चलिए, क्वेश्चन आपका आ चुका है, यहां पर बताइए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है। हमने बताया था सबसे नंबर 1 में आपका कौन सा है, आपका जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर है, याद रखिएगा, है ना, जो कि अंडमान निकोबार से सबसे बड़ा है ना, जम्मू कश्मीर। लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो हमने आपको बताया भी था कि इनमें से जो आपकी है कौन, तो आपकी पुदुचेरी इनमें से सबसे बड़ा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? आपका बी हो जाएगा। सर, आवाज सही नहीं हुआ। चलिए, आवाज साफ नहीं आ रही भाई, क्या बात है, आवाज साफ नहीं आ रही है। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा बची है ना, थोड़ा और बचा है, तो इसके बाद देख लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। चलिए बताइएगा, अटक अटक क्या आ रही है? तो चलिए, शायद हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो, है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से हो सकता है। चलिए बताइए, के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पर 80 का ऑप्शन बन जाएगा ए, आपके बैडमिंटन से आपके श्रीकांत जुड़े हैं, तो इन्हें आपके अर्जुन पुरस्कार जीता था, ऑप्शन आपका ए आपका हो जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपका गद्यांश, है ना, गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश किसके बारे में? शिक्षा के बारे में है। कह रहे, शिक्षा आज दुनिया के अजब दोराहे पर खड़ी। देखो क्या दिया है, शिक्षा आज दुविधा के अजब दो राहे पर खड़ी है, ना, दो राह, एक ये राह है, एक ये राह है। एक रास्ता चकाचौंध का है, मृग तृष्णा विद्यार्थियों को लाभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षक है। मतलब यहाँ पर बोला गया है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा एक लाचार भी है, और शिक्षा देखा जाए तो अपनी तरफ सब लोग खींच रहे हैं। देखो दिया, चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है जो कि शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है, और हमारे आत्मत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेष्ठ है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग आपका प्रेष्कर है। तो ये आपका दिया गया है, तो देख लेते हैं इसे क्वेश्चन आपके हैं कैसे, है ना। तो देखो दिया गया है, लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है। चलिए हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, जो है उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में क्या बात किया है? तीनों बात किया है विवेक को, है ना, क्या दिया है? विवेक को। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। और अगला दिया, दूसरी तरफ शिक्षा का साधन मार्ग जो आपका है, तो पहली तरफ क्या है? कि अभी दिया गया था कि बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और आपके सपने, है ना। पहली तरफ दिया है शिक्षा के लिए साधना मार्ग है, और है ना, दूसरी तरफ शिक्षा का मार्ग क्या है? साधन मार्ग है। दूसरी तरफ दिया है चकाचौंध है, सम्मोहन है और आपके सपने, आपने पढ़ लिया था, है ना। चलिए अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है, ठीक है, ये आप गद्यांश से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पर एक गद्यांश और आपका दिया गया है, जो इस प्रकार का गद्यांश है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है, तो देख लेते हैं भाई इसको भी पढ़कर क्या ये कह रहा है। कविता को पढ़ना है, कह रहा है जब नहीं था इंसान, समझिएगा कि जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल, जंगल जानवर, क्या थे धरती पर? जंगल जानवर,
परिंदे इन्हीं सबके बीच उतरा, है ना, परिंदे इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, ठीक है। फिर दिया इंसान बढ़ने लगा बेहतासा, अब कहाँ जाती जंगल, जंगली जानवर परिंदे प्रकृति के किसी भी साथ नहीं करती, ना इंसाफी सभी के लिए बनती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगी जंगल जंगली जानवर और परिंदे। मतलब यहाँ पर समझ गए तो देख लेते हैं इसको हम सॉल्व करके। कह रहा है आपसे कि धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं सौरभ गुप्ता कि सर पूरा कराया करो, मेरा गलत हो गया। अच्छा चलिए, तो देखो धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ, हम पूरा सॉल्व करा दे रहे हैं। चलिए आप बताइए, इसको तो हमने पढ़ा है पूरी तरीके से, तो आप बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा 46 नंबर में। तो देखो एक हम सॉल्व करा देते हैं पूरा गद्यांश, है ना। तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 46 नंबर में, कह रहा है जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, उपयुक्त सभी कह रहे हैं। तो कह रहा है धरती पर जब आया जंगल जानवर पक्षी, तो जवाब क्या हो जाएगा 46 का, यहाँ पर डी नंबर आपका आ रहा है, 46 नंबर का डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि इंसान बढ़ने लगा बेहताशा का भाव क्या है ना, बेहताशा इसी पर पॉइंट आपका दिया है, मतलब बेहताशा सिर्फ आपका हुआ कि इंसान खूब तरक्की करने लगा, क्या इंसान बढ़ने लगा बेहताशा, मतलब इंसान खूब तरक्की करने लगा, यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर पैरों पर चलने की कोई जिक्र नहीं किया था, जो आप लोग डी जवाब दे रहे हैं, है ना, इसने पैरों पर चलने का जिक्र नहीं किया है, इंसान खूब तरक्की करने लगा बेहताशा इसका मतलब हुआ। अगला दिया गया है कि प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती है, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती है, तो यहाँ पर देखिए कि जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, ये आपकी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं करती, सबके लिए बराबर है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है, मतलब कविता में जो फोकस किया गया है, व्यंग किया गया है, वो किया गया है इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानों में अब इंसानियत क्या हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है। और अगला दिया गया है, कह रहा है अब जंगल, अब कहाँ जाते जंगल, अब कहाँ जाते जंगल का भाव दिया गया है, इसमें से दो बोला गया है अब जंगल, अब कहाँ जाते जंगल। तो देखो 50 क्वेश्चन देखिए क्या है, अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं है, अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे, क्या ऑप्शन हो जाएगा सी, अब कहाँ जाते जंगल, जंगल अब आपके समाप्त हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने एक गद्यांश पूरा सॉल्व कराया और एक गद्यांश जो बहुत ही बड़ा था उसे हमने यहाँ पर छोड़ दिया है आसानी के। जय हिंद, वंदे मातरम।